नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास, बॉक्सर की हत्या, पार्ट थ्री। अजय तिलक रोड पहुंचा। 30 नंबर की 5 मंजिला इमारत ढूंढने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वह मोटरसाइकिल पार्क करके इमारत में दाखिल हुआ। बेंच पर बैठा चौकीदार उसे देखते ही खड़ा हो गया। उसने सर से पांव तक भीगे अजय को घूरा। फरमाइए, वह बोला। मैं जय किशन से मिलना चाहता हूँ, अजय अपना हेलमेट उतारता हुआ बोला। आपकी तारीफ। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं थंडर का रिपोर्टर हूँ। चौकीदार ने सर हिलाया। जय किशन साहब यहाँ नहीं हैं। कहाँ गए हैं? पता नहीं। कब गए थे? करीब आधा घंटा पहले। अजय ने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 1:27 हुए थे। बेवक्त और इस खराब मौसम में जय किशन का कहीं जाना उसे अजीब लगा। तुमने जय किशन को जाते देखा था? जी हाँ, वह पैदल गया था या किसी सवारी से? पैदल। अजय ने सोचा जय किशन आसपास ही कहीं गया होगा। अगर उसने दूर जाना होता तो फोन करके टैक्सी बुलानी थी। बेवक्त और इतने खराब मौसम में कोई भी आदमी यह सोचकर घर से नहीं निकल सकता था कि थोड़ी बहुत दूर जाने पर उसे कोई खाली सवारी मिल जाएगी। यूं भी इस इलाके में रात में सवारी मिलना आसान नहीं था। अगर तुम्हें एतराज न हो तो क्या मैं यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर सकता हूँ? उसने पूछा। चौकीदार ने उबासी ली। मुझे तो एतराज नहीं है, लेकिन इंतजार करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जय किशन साहब आपसे कोई बात नहीं करेंगे। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने मुझे खास तौर पर हिदायत दी थी कि किसी रिपोर्टर को उनके पास ऊपर न जाने दूँ। आपसे पहले भी कई आए थे और उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। फिर भी कोशिश कर देखने में कोई हर्ज नहीं है, अजय ने कहा और जेब से प्लेयर्स गोल्ड लीफ का मुड़ा तुड़ा पैकेट निकाला। माचिस दोगे? चौकीदार के चेहरे पर साफ साफ लिखा था कि अजय का आगमन और वहां बैठना उसे नागवार गुजर रहा था। वह चाहता था कि अजय फौरन यहां से चला जाए। उसने बेमन से माचिस निकालकर दे दी। मेरी सलाह मानो, वह बोला, सिगरेट पीकर यहां से चलते बनो। अजय ने एक सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाई और सुलगाने के बाद माचिस लौटाते हुए पूछा, सिगरेट पियोगे? चौकीदार इनकार करना चाहता था, लेकिन मुफ्त की सिगरेट से धुआं उड़ाने का लोभ संवरण नहीं कर सका। वह हिचकिचाया, फिर सर हिलाकर हामी भर दी। अजय ने एक सिगरेट उसे दे दी। चौकीदार ने सिगरेट जला ली। बैठ जाओ, अजय बोला। खड़े क्यों हो? चौकीदार बैठ गया। तुमने जय किशन को जाते देखा था? अजय ने पूछा। तो उससे पूछा नहीं कि बेवक्त इतने खराब मौसम में वह कहाँ जा रहा था? नहीं, चौकीदार ने जवाब दिया। मैं भला यह पूछने वाला कौन होता हूँ? जय किशन ने भी कुछ नहीं बताया? उन्होंने कहा, चौकीदार ने कहा, फिर एकदम संभल कर बोला, नहीं कुछ नहीं। अजय हंसा। शक्ल सूरत थी तो तुम बहुत बढ़िया आदमी नजर आते हो, वह सिर्फ फूंक देता हुआ बोला। फिर भी झूठ बोल रहे हो? फिर राजदराना लहजे में पूछा, जानकारी देने की कोई कीमत चाहते हो? चौकीदार की आंखों में लालच की चमक उभरी। नहीं, वह हिचकिचाता सा बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। अजय ने 20 रुपये का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। यह नोट मैं तुम्हें इस वादे के साथ दे सकता हूँ कि जो कुछ तुम मुझे बताओगे वो मैं हरगिज भी जय किशन को नहीं बताऊंगा, वह बोला। अब बताओ, क्या तुम इस नोट के मालिक बनना चाहते हो? चौकीदार अपलक नोट को घूर रहा था। उसने एक बार दरवाजे की ओर देखा, फिर अपने होठों पर जुबान फिराई। ठीक है, उसने कहा और हाथ आगे बढ़ा दिया। अजय ने नोट उसे दे दिया। चौकीदार ने नोट फौरन अपनी जेब में ठूस लिया, मानो उसे डर था कि कहीं अजय अपना इरादा बदल कर वापस ना मांग बैठे। फिर उसने बता दिया कि जय किशन ने 1 घंटे बाद आने और अपनी गैर मौजूदगी में आने वाली औरत को रोक के रखने के लिए कहा था। अजय को यकीन हो गया कि जय किशन जरूर लौट कर आएगा। वह इंतजार करने लगा। चौकीदार कोने में खिसक कर ऊँघने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। 2 बज गए, फिर 2:15, लेकिन जय किशन ने नहीं आना था, वह नहीं आया। 2:22 पर इमारत के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। अजय को कुछ आशा बंधी, मगर टैक्सी से उतरती औरत को देखकर उसे निराश रह जाना पड़ा। टैक्सी चली गई। गुलाबी रंग की प्लास्टिक की बरसाती और रेन कैप पहने ऊंचे कद और भरे भरे जिस्म की एक खूबसूरत औरत भीतर दाखिल हुई।
उसके चेहरे मोहरे और हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वह कैसी औरत थी। चौकीदार सजग हो चुका था। जयकिशन साहब अभी नहीं लौटे हैं, वह आगंतुका से बोला। जाति बार वह कह गए थे कि आप यहीं बैठकर उनका इंतजार करें। आगंतुका के चेहरे पर खीज भरे भाव पैदा हो गए। अजय एक तरफ खिसक गया। तशरीफ रखिए, वह बोला, मैं भी जयकिशन का इंतजार कर रहा हूँ। औरत किम कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रही। उसके चेहरे पर खीज के भाव गहरे हो गए। उसने अजय को इस ढंग से घूरा मानो पूछ रही थी, अगर तुम भी जयकिशन से मिलने आए हो तो उसने मुझे क्यों बुलाया था। अजय उसकी परेशानी भांप गया। मैं 10 मिनट से ज़्यादा जयकिशन का वक्त नहीं लूँगा, वह बोला। औरत ने बरसाती और रेन कैप उतार कर बेंच के सिरे पर रख दी और अनिच्छापूर्वक बैठ गई। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ, अजय ने शिष्ट स्वर में पूछा। मुझे ऐतराज नहीं है, वह कुड़ती हुई सी बोली। अजय ने सिगरेट जला दी। पता नहीं इस बेहुदा मौसम में जयकिशन कहाँ जा बैठा, वह बड़बड़ाया। औरत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर इरादा बदल दिया। आपको पता है वह गया कहाँ है, अजय ने सीधा सवाल किया। नहीं, वह शुष्क स्वर में बोली। अजीब आदमी है वह भी, अजय बोला। कम से कम आपकी परेशानी का ख्याल तो उसे करना ही चाहिए था। मेरा क्या है, मैं तो कल भी उससे मिल लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और इंतज़ार करूँगा, फिर अपने घर लौट जाऊँगा। वह औरत के खींच भरे चेहरे पर निगाहें जमा कर बोला, मगर आपको तो उसका इंतज़ार करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वापस लौटने का भी साधन नहीं है। जिस टैक्सी से आप आई थी वो तो जा चुकी है और इस वक्त यहाँ से सवारी मिलना नामुमकिन है। औरत को पहली बार इस असलियत का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट हुए मानो मन ही मन जयकिशन की पिछली 7 पुश्तों तक को कोसने लगी थी। आप ठीक कह रहे हैं, वह विवशतापूर्वक बोली। अजय मुस्कुराया। मेरा नाम अजय कुमार है, वह बोला। आपका नाम जान सकता हूँ, शकीला, वह हिचकिचाती सी बोली। आपके साथ सचमुच जयकिशन ने बड़ी भारी ज्यादति की है, अजय सहानुभूति पूर्वक बोला। जब उसने आपको बुलाया था तो उसे यही मौजूद रहना चाहिए था। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। ओह, 2:45 बजने वाले हैं, मेरा ख्याल है अब वह नहीं आएगा, शकीला ने बेचैनी से पहलू बदला। आपको कैसे पता कि उसने मुझे बुलाया था। आपके बेवक्त आने से, इतने खराब मौसम में रात के करीब 2:30 बजे कोई किसी के पास तभी आता है, या तो उसे कोई कारणवश बुलाया गया हो या फिर आने वाले पर अचानक कोई भारी मुसीबत आ गई हो। आप किसी मुसीबत में हैं ऐसा कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए जाहिर है कि आपको बुलाया गया था। अजय अपना हेलमेट उठाकर खड़ा हो गया। मैं तो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, चलता हूँ। अब से पहले शायद हेलमेट की ओर शकीला का ध्यान नहीं गया था। उसने फौरन इमारत के प्रवेश द्वार के कांच के दरवाजे से बाहर निगाह डाली, फिर आशापूर्वक अजय की ओर देखा। बाहर खड़ी मोटरसाइकिल आपकी है, उसने पूछा। जी हाँ, मेरा ख्याल है जयकिशन अब नहीं आएगा, शकीला निराश स्वर में बोली। वह कहीं फंस गया है। कहाँ, अजय ने पूछा। पता नहीं, वह गया कहाँ था यह भी मुझे नहीं मालूम। आखिर उसने आपसे कुछ तो कहा ही होगा। उसने मुझे 1 बजे के करीब फ़ोन करके बताया था कि वह कहीं जा रहा था और 1 घंटे के अंदर लौट आएगा। इसका मतलब उसे 2 बजे लौट आना चाहिए था और अब 2:45 बज चुके हैं, अजय बोला। बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ, शकीला ने विचारपूर्वक उसकी ओर देखा। पूछो। आप जयकिशन की सहेली हैं, शकीला ने निगाहें झुका ली। हाँ, वह हिचकिचाती सी बोली। अक्सर उससे मिलने आती रहती हैं। हाँ, क्या पहले भी कभी उसने आपके साथ ऐसा किया है। नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब आज ज़रूर कोई गड़बड़ हो गई है, शकीला चौंकी। कैसी गड़बड़, यह तो मुझे भी नहीं मालूम। क्या आप थोड़ी देर और इंतज़ार नहीं कर सकते, शकीला ने पूछा। मैं सारी रात भी इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा करने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, अजय ने कहा। फिर उसका यह पूछने का असली मकसद समझते हुए भी पूछा। आप क्यों पूछ रही हैं। मैं चाहती हूँ आप अपने रास्ते में मुझे किसी भी ऐसी जगह तक लिफ्ट दे दें जहाँ से सवारी मिल सके, शकीला याचनापूर्ण स्वर में बोली। ठीक है, आप कितनी देर और इंतज़ार करना चाहती हैं। यही कोई 15-20 मिनट, अजय पुनः बैठ गया। उसने पूरा आधा घंटा इंतज़ार किया।
इस बीच उसने शकीला और चौकीदार दोनों से जय किशन के बारे में घुमा फिरा कर तरह तरह के सवाल किए, लेकिन काम की कोई बात हासिल नहीं हो सकी। अंत में वह शकीला सहित इमारत से बाहर निकला। शकीला को मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बिठाकर अपने फ्लैट की ओर रवाना हो गया। शकीला जय किशन को कोसती रही। उसने पहले तो अपने शरीर के दबाव डालने, अजय के जिस्म पर अपने हाथ के स्पर्श और उसकी गर्दन पर किसिंग द्वारा समझाने की कोशिश की कि अजय चाहे तो उसके साथ शेष रात गुजार सकता था। फिर अजय की ओर से कोई प्रोत्साहन न पाकर स्पष्ट शब्दों में उसने कहा, मगर अजय ने साफ इनकार कर दिया। अजय ने रास्ते में पड़े पहली टैक्सी स्टैंड पर मोटरसाइकिल रोक दी। शकीला ने नीचे उतरकर शुक्रिया अदा करने की बजाय आग्रह नेत्रों से उसे घूरा। तुम जय किशन से भी ज्यादा गिरे हुए आदमी हो, वह तीव्र स्वर में बोली। अजय हंसा, तारीफ के लिए शुक्रिया, उसने कहा और मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। जगमोहन के ऑफिस में बैठी लीना विक्टर सुख स्वप्नों में खोई हुई थी। उसे जगमोहन पर विश्वास था। उसके कानों में रह रहकर जगमोहन के शब्द गूंज रहे थे, फिल्म लाइन में जाने का तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है, तुम्हें तगड़ा ब्रेक मिल रहा है। तगड़ा ब्रेक, उसने गहरी सांस ली। उसे फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा काम करने के दौरान हुए अपने कटु अनुभव याद आ गए। काश उस वक्त उसे ब्रेक मिल गया होता तो अब तक अपने लिए जरूर उसने कोई जगह बना लेनी थी, लेकिन ब्रेक नहीं मिला और उसे फिल्म लाइन ही नहीं फिल्म नगरी से भी विदा लेनी पड़ी, क्योंकि झूठे आश्वासनों और कभी न पूरे होने वाले वादों की एवज में रोज रात नए नए लोगों के बिस्तर गरमाने से वह ऊब चुकी थी। जगमोहन से उसकी मुलाकात भी उसी दौरान ही हुई थी। जगमोहन बंबई गया हुआ था। एक शाम चौपाटी पर जगमोहन ने उसे देखा और पहले ही निगाह में पसंद कर लिया। फिर चालू लड़की समझते हुए उसे अप्रोच किया। उसने स्पष्ट इनकार कर दिया और बताया कि वह ऐसी लड़की नहीं थी, मगर जगमोहन हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। इस प्रकार से जबरन वह उसे एक बढ़िया रेस्तरां में ले गया। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह विराट नगर में एक फर्स्ट क्लास रेस्तरां का मालिक था और उसे एक बढ़िया शो गर्ल की तलाश थी। अच्छी तनख्वाह के अलावा दूसरी तमाम सहूलियतें भी वह मुहैया करा सकता था। लीना को ऑफर में कोई कमी नजर नहीं आई, वह जरूरतमंद भी थी, फौरन सहमत हो गई। कई फिल्मों में सामूहिक नृत्य के दृश्यों में वह भाग ले चुकी थी, इसलिए वह जानती थी कि उसके सामने कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। जगमोहन की ऑफर को मंजूर करने की एक और भी बड़ी वजह थी, वह इंदौर में अपने घर से भागकर बंबई पहुंची थी। वापस लौटकर घर जा नहीं सकती थी और बंबई में उसे अपना कोई भविष्य तो दूर, वर्तमान भी नजर नहीं आ रहा था। फलस्वरूप वह जगमोहन के साथ विराट नगर आ गई। जगमोहन ने अपना वादा निभाया। करीब 2.5 साल के अरसे में उसे जगमोहन से कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई थी। इस पूरे दौर में उसने बस एक ही झूठ बोला था कि वह रेस्तरां का मालिक था, जबकि वह रेस्तरां का मालिक नहीं था, जबकि वह सिर्फ मैनेजर था। अब तक लीना इतना तो जान गई थी कि मालिक कोई और था, लेकिन कौन था इसकी जानकारी उसे नहीं थी। यह जानने में उसे दिलचस्पी भी नहीं थी। वह अपने हालात से समझौता कर चुकी थी। इस समझौते में जगमोहन को इच्छा अनुसार उसके साथ हम बिस्तर होना भी शामिल था। लीना को इससे भी कभी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि जिस्मानी भूख मिटाने की उसकी अपनी जरूरत भी तो होती थी। दूसरे जगमोहन मुफ्त में उसका जिस्म हासिल नहीं करता था, वह महंगे उपहारों के रूप में उसके जिस्म की कीमत चुकाया करता था। इस पूरे अरसे में उसे सिर्फ एक ही बार जगमोहन से शिकायत हुई थी, जब उसे उसकी मर्जी के खिलाफ गणपत के हवाले किया गया था और उसे लिफाफे का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि जगमोहन ने इसकी एवज में उसे डायमंड रिंग दिलाई थी, लेकिन वह इससे खुश नहीं थी, क्योंकि बुनियादी तौर पर वह किसी प्रकार के घपले में पड़ने के सख्त खिलाफ थी। अगर जगमोहन ने सही वक्त पर उसकी मदद की होती या जगमोहन का उसके प्रति व्यवहार इतना अच्छा ना रहा होता तो उसने स्पष्ट इनकार कर देना था। लीना ने गर्दन को झटकते हुए इस विचार को दिमाग से निकाला और जगमोहन द्वारा बताए गए तगड़े ब्रेक के बारे में सोचने की कोशिश की। क्या हो सकता था तगड़ा ब्रेक? क्या रेस्तरां में फिल्म लाइन से संबंधित किसी तजुर्बेकार आदमी ने उसका शो देखा था और फिर जगमोहन से संपर्क किया था, या जगमोहन का परिचित कोई आदमी फिल्म बनाना चाहता था? तभी सहसा ऑफिस का पिछला दरवाजा खुला
और जगमोहन भीतर दाखिल हुआ। वह एकदम तरोताजा नजर आ रहा था, मानो स्नान करके आया था। उसके जिस्म पर कपड़े भी वे नहीं थे जो उसने ऑफिस से जाते वक्त पहने हुए थे। मैं तो समझने लगी थी कि आप मुझे भूल ही गए हैं, लीना शिकायती स्वर में बोली। जगमोहन मुस्कुराया। तुम भुला दिए जाने काबिल चीज़ नहीं हो लीना, वह बोला। असलियत यह है कि यहाँ से जाने के बाद से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा हूँ, और डेस्क के पीछे जा बैठा। अच्छा, लीना बोली, लेकिन पिछले करीब 2 महीने से मैं देख रही हूँ कि आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। आप काम के अलावा दूसरी बातें नहीं करते, यह तुम्हारा वहम है, जगमोहन बोला। दरअसल जो बात मैंने तुम्हें आज बताई है उसका सिलसिला करीब 1.5 महीने से चल रहा है, और मुझे यह सोचकर अजीब सा महसूस होता रहा है कि तुम यहाँ से चली जाओगी। लीना ने गौर से उसकी ओर देखा। यानी मुझे फिल्म लाइन में ब्रेक मिलने वाली बात 1.5 महीने से चल रही है? हाँ, लीना मोहक ढंग से मुस्कुराई और उठकर उसकी गोद में आ बैठी। हाँ, वह बोला, जरा टेलीफोन आगे खिसकाओ। जगमोहन की गोद में बैठी लीना ने टेलीफोन उपकरण उठाकर अपनी गोद में रख लिया ताकि जगमोहन आसानी से नंबर डायल कर सके। जगमोहन ने उसकी पीठ में लिपटी बाई बाह निकालकर रिसीवर उठाया और दाएं हाथ से नंबर डायल किया। लीना ने भी आगे झुककर अपना कान एयर पीस से सटा लिया। दूसरी ओर घंटी बजती रही, फिर एक पुरुष स्वर लाइन पर उभरा। श्रीकांत स्पीकिंग, जगमोहन बोल रहा हूँ, जगमोहन बोला। आपको याद है, लीना विक्टर नामक एक लड़की ने गणपत के लिफाफे का पता लगाने में हमारी मदद की थी, याद है? लीना इस वक्त मेरे पास ही है। वह अब इस शहर में रहना नहीं चाहती क्योंकि अजय नामक एक प्रेस रिपोर्टर हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया है। समझदारी की बात है, वह यहाँ से कब जाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके। कहाँ जाना चाहती है? बम्बई, जगमोहन बोला। वह फिल्मों में काम कर चुकी है। आपके दोस्त मिस्टर विक्रम राव भोंसले अगर उसकी मदद कर दे तो वह फिल्म लाइन में सेटल हो सकती है। क्या आप लीना को ब्रेक दिला सकते हैं? श्योर, नो प्रॉब्लम। लेकिन मान लो उसके बम्बई रवाना होने से पहले अजय उस तक पहुंच गया? ऐसा नहीं होगा, जगमोहन बोला। लीना इस वक्त मेरे पास है और यहीं से सीधी एयरपोर्ट जाकर बम्बई जाने वाली प्लेन पर सवार हो जाएगी। उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें फिलहाल मिस्टर भोसले बम्बई में उसे मुहैया करा सकते हैं। फिर मैं उसके फ्लैट में उसका सारा सामान बम्बई भिजवा दूंगा। क्या आप मिस्टर भोसले को फ़ोन पर यह सब समझा देंगे? बेशक, वह कौन सी फ्लाइट से जाएगी मुझे बता दो, मैं भोसले को सूचित कर दूंगा। वहां उसका कोई आदमी लीना को रिसीव कर लेगा। सुबह 8 बजे वाली फ्लाइट पर मैं उसे सवार करा दूंगा। ठीक है, बाकी सब इंतज़ाम हो जाएंगे। तुम लीना को यकीन दिला सकते हो कि फिल्म लाइन में उसे तगड़ा ब्रेक मिल जाएगा? दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिया गया। लीना ने जगमोहन के हाथ से रिसीवर छीनकर क्रेडिट पर पटका, टेलीफोन उपकरण उठाकर डेस्क पर रखा और जगमोहन के गले में बाहें डाल दी। जगमोहन ने उसे इतनी जोर से अपनी बाहों में दबाकर भींचा कि वह करा उठी। श्रीकांत वर्मा अपने बेडरूम की खिड़की के पास खड़ा बारिश में भीगी सड़क को देख रहा था। उसके चेहरे पर खींचपूर्ण भाव थे। जगमोहन ने उसके लिए करीब करीब एक दल्ले जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। वह जानता था कि फोन वार्ता के वक्त लीना जगमोहन के पास ही मौजूद थी और जगमोहन उसे एयरपोर्ट पहुंचाने से पहले तक भूखे भेड़िए की तरह उसके जिस्म को झंझोड़ता रहेगा। लेकिन वह जगमोहन की बात से सहमत भी था। लीना को इसी शहर में रहने देना खतरनाक था। अगर अजय लीना के पीछे पड़ चुका था तो उसने तब तक चैन से नहीं बैठना था जब तक कि वह लीना से यह नहीं कबूलवा लेगा कि उसे लिफाफे का पता लगाने के लिए किसने गणपत के पीछे लगाया था। श्रीकांत ने गहरी सांस ली। वह जानता था एक ही रात में 2 बार बेवक्त फोन किए जाने से विक्रम राव चिढ़ जाएगा। हालांकि पहली कॉल द्वारा उसने विक्रम को खुशखबरी दी थी। गणपत की मौत और भारी मुनाफे की खबर सुनकर विक्रम राव ने खुशी जाहिर करते हुए उसकी तारीफ की थी, मगर इस दूसरी कॉल से वह सचमुच भड़क जाएगा। लेकिन मजबूरी थी। लीना के मामले में जरा भी रिस्क नहीं लिया जा सकता था। लीना को विराट नगर में रहने देना उन सबके लिए बेहद खतरनाक था। इसमें बड़ी बात यह भी थी कि दोनों यानी घनश्याम दास और नरेन मुखर्जी लीना का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं कर सकते थे। इस समस्या का सही हल विक्रम राव के ही पास था। वह टेलीफोन के पास पहुंचा। विराट नगर और बम्बई के बीच
एसटीडी सुविधा उपलब्ध थी। उसने विक्रम राव का नंबर डायल किया। श्रीकांत अगेन विक्रम, संबंध स्थापित होने पर वह बोला, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्या बात है? विक्रम राव का झुंझलाहट भरा स्वर लाइन पर उभरा। आज रात तुम पर फोन करते रहने का दौरा पड़ा हुआ है। अभी अभी एक समस्या पैदा हो गई है, यहाँ श्रीकांत मुस्कुराता हुआ बोला। तुम्हें पता है हमने गणपत का वो लिफाफा कैसे हासिल किया था? किसी लड़की की मदद ली गई थी ना? हाँ, उस लड़की का नाम लीना विक्टर है। हमने उसे गणपत के साथ चिपका दिया था। उसने गणपत और अजय नामक रिपोर्टर की बातें सुनकर पता लगा लिया था कि लिफाफा अजय के घर उसकी कबोर्ड में था। अब स्थिति यह है कि अजय को भी इस बात का पता लग गया है और वह लीना की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान रहा है। तो तुम रात के 3 बजे मुझसे क्या कराना चाहते हो? लीना को यहाँ से दूर भेजना निहायत ज़रूरी है। हम सुबह 8 बजे की फ्लाइट से उसे बम्बई भेज रहे हैं। तुम पागल हो गए हो? विक्रम राव का गुर्राहट भरा स्वर सुनाई दिया। मैं उसका क्या करूँगा? वह लड़की फिल्म लाइन में ब्रेक पाने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन तुमने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं करना है, श्रीकांत धूर्ततापूर्वक बोला। तुम उसे सफ़ेद पाउडर वाला ट्रीटमेंट दे सकते हो। अगर पाउडर बिल्कुल प्योर होगा तो मैं समझता हूँ जल्दी ही वह सब कुछ भुलाकर बस फिक्स की दुनिया की होकर रह जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लग जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा? मैं उसको जिंदगी भर तो अपने पास रखने से रहा। उसकी ज़रूरत भी नहीं है, श्रीकांत कुटिल स्वर में बोला। तुम अक्सर कहा करते हो कि अरब मुल्कों में जवान खूबसूरत छोकरियों की बड़ी मांग है। इस छोकरी को तुम देखोगे तो बस ठगे से रह जाओगे। लाइन पर कुछ देर खामोशी रही, फिर विक्रम राव का उत्साहित स्वर सुनाई दिया। ठीक है, उसे इसी ढंग से खपा दिया जाएगा। शुक्रिया, बिना किसी झंझट के इस तरह उसका मुकम्मल इंतजाम हो जाएगा। वह लड़की इस वक्त कहाँ है? रेस्तरां में जगमोहन के पास। वह उसे अपने पास रोके हुए है ताकि अजय सूंघता सूंघता उसके घर उसके पास न जा पहुँचे। उसके रेस्तरां से ही सीधा एयरपोर्ट भिजवा दिया जाएगा, इसलिए उसके पास अपने पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, जहाँ मैं उसे फिलहाल रखूँगा वहाँ कपड़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसे इतना मसरूफ़ रखा जाएगा कि कपड़े पहनने और उतारने का होश ही नहीं रहेगा। तुम उसका हुलिया बता दो ताकि यहाँ एयरपोर्ट पर मेरे आदमी को उसे पहचानने में दिक्कत ना हो। श्रीकांत ने लीना का पूरा हुलिया बताकर संबंध विच्छेद कर दिया। डोरबेल की तेज चीख ने अचानक अजय को जगा दिया। उसके सर में भारीपन था और आंखों में जलन सी महसूस हो रही थी। खिड़कियों पर पर्दे खिंचे होने की वजह से कमरे में अंधेरा था। उसे लगा मानो मुश्किल से 1 घंटा पहले ही सोया था। उसने बेड साइड टेबल पर रखी अपनी रिस्ट वॉच उठा ली। 8:10 हुए थे। उसे याद आया कि रात में जय किशन का इंतजार करने और शकीला से पीछा छुड़ाने के बाद करीब 4 बजे घर लौटा था। इसका मतलब वह मुश्किल से 4 घंटे ही सो पाया था। डोर बेल लगातार चीखे जा रही थी। कसम खाई हुई थी कि दरवाजा खुलने तक वह पुश बटन से उंगली अलग नहीं हटाएगा। अजय खींचता हुआ सा बिस्तर से उतरा, पैरों में स्लीपर फंसाए और आंखें मलता हुआ प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला। बाहर नीलम खड़ी थी। तुम? अजय ने उसे घूरा। सुबह ही सुबह कैसे आ टपकी? नीलम की निगाहें उसके चेहरे और गर्दन पर जमी थी। बताती हूँ। वह अजय को धकेलकर भीतर दाखिल हुई और दरवाजा बंद करके उसकी ओर पलटी। बताने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ, उसके स्वर में कटुता का पुट नोट करते हुए अजय ने पूछा। क्या वह अभी भी घर में है? अजय चकराया। कौन? नीलम ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारे अलावा कोई और है यहाँ? नहीं तो, यहाँ और किसने होना था? सच कह रहे हो? अजय का धैर्य जवाब देने लगा। समझ में नहीं आता क्या बक रही हो? वह तीव्र स्वर में बोला। सीधी तरह क्यों नहीं बताती? नीलम ने उसे घूरा। वह कौन थी? उसने पूछा। कौन कौन थी? वही वही कौन? अजय ने झल्ला कर पूछा, जिसने तुम्हारी यह हालत बनाई है। क्या हुआ है मेरी हालत को? तुमने सारी रात किसी मर्द खोर औरत के साथ गुजारी है, नीलम फटकार भरे स्वर में बोली, और उसने तुम्हें बुरी तरह निचोड़ दिया है। बको मत, अजय गुर्राकर बोला। पता नहीं क्या ऊट पटांग बक रही हो, और निढाल सा एक सोफा चेयर में पड़ गया। नीलम उसके सामने तन कर खड़ी हो गई। मैं हकीकत बयान कर रही हूँ, वह भी गुर्राकर बोली। देखो
मुझे परेशान मत करो, अजय विवश स्वर में बोला। मेरी रात बड़ी कठिन गुजरी है। मैं भी तो यही पूछ रही हूँ कि कठिनाई देने वाली कौन थी। अजय ने इस ढंग से उसे घूरा मानो वह गाली दे रही थी। तुम्हारा मतलब है मैंने किसी औरत के साथ रात गुजारी है? बिल्कुल, तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं सूझता? सूझता तो बहुत कुछ है, लेकिन जो कुछ सामने नजर आ रहा होता है उसे अनदेखा करना मेरी आदत नहीं। तुम्हें मेरे पहलू में कोई औरत नजर आ रही है? अगर नजर आती तो मैं उसका मुंह न नोच लेती, नीलम हिंसक स्वर में बोली। तो फिर तुम्हें और ऐसा क्या नजर आ रहा है कि मेरी जान खाए चली जा रही हो? मुझे इस बात का सबूत साफ नजर आ रहा है कि तुमने किसी औरत के साथ रात गुजारी है, और तुम्हारी हालत इस बात की साफ चुगली कर रही है कि वह कोई मर्दखोर औरत थी। अजय ने अपना सर हाथों में थाम लिया। उसकी समझ में नहीं आया कि नीलम सुबह सुबह क्यों उसके सर पर आ चढ़ी थी। देखो नीलम, वह बोला, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम सारी रात क्या करते हो मुझे दिख रहा है। नीलम उसकी बात काटती हुई बोली, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि वह कौन थी। बको मत, अजय दहाड़ कर बोला, पता नहीं क्या अनाप शनाप पके जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती बाजारू औरतों के साथ मुंह काला करते हुए? नीलम भी उसी के स्वर में बोली, एक तो गिरी हुई हरकतें करते हो, ऊपर से मुझ पर बरस रहे हो। वाह, जवाब नहीं है तुम्हारा। फिर एकाएक रुआंसी हो गई, तुम जो ची चाहे करो, मैं तुम्हें टोकने वाली कौन होती हूँ? मगर भगवान के लिए झूठ तो मत बोलो अजय। और उसके सामने दूसरी सोफा चेयर पर बैठ गई। अजय ने बुरी तरह चौंक कर उसकी ओर देखा। नीलम के चेहरे पर क्रोध मिश्रित विवशता के गहन भाव लक्ष्य करके उसे झटका सा लगा। जरूर कहीं कोई गड़बड़ी थी। आई एम सॉरी नीलम, वह बोला, बाय गॉड मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूँ। नीलम कुछ नहीं बोली, वह सर झुकाए बैठी थी। बताओ ना, आखिर तुम आते ही वह कौन थी का क्या पचड़ा ले बैठी? अजय खुशामदी लहजे में बोला, लगता है तुम किसी भारी गलतफहमी की शिकार हो गई हो। मैं रात भर धक्के खाता रहा, सुबह 4 बजे घर वापस लौटा और 8 बजे तुमने आकर जगा दिया। बस यही है मेरी रात भर की कहानी। नीलम ने सर उठाकर उसे घूरा, सच कह रहे हो? ऑनेस्ट टू गॉड। नीलम की आंखें सिकुड़ गई, उसके चेहरे पर अविश्वासपूर्ण भाव थे। तुमने किसी औरत के साथ रात नहीं गुजारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारी गर्दन पर लिपस्टिक के ये दाग कैसे हैं? लिपस्टिक के दाग? अजय बड़बड़ाया। फिर उसे पिछली रात मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठी शकीला की हरकतें याद आ गई और वह हंस पड़ा। गर्दन पर लिपस्टिक के दाग उसकी मेहरबानी थी। नीलम ने पलकें झपकाई, हंस क्यों रहे हो? और क्या करूं? क्या मतलब? अजय ने पिछली रात जय किशन का इंतजार करने और शकीला से मुलाकात का किस्सा संक्षेप में उसे सुना दिया। तुमने यह सब पहले ही क्यों नहीं बता दिया था? नीलम शिकायती लहजे में बोली, तुमने इतना मौका ही नहीं दिया, बस आते ही मुझ पर चढ़ दौड़ी। अजय बोला, खैर छोड़ो, मतलब की बात करो, तुमने सुबह ही सुबह आने की तकलीफ कैसे की? मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जय किशन मर चुका है। अजय एकदम उछल पड़ा, मर चुका है? कब? कैसे? पिछली रात पुराने पुल से 2 मील दूर कार दुर्घटना में कार पेड़ से टकरा गई थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला और तुम मुझे यह बताने क्यों चली आई? मुझे यह योर वॉइस के स्पोर्ट्स राइटर नीरज रस्तोगी ने बताया, नीलम बोली। तुम्हारा फोन खराब है इसलिए वह तुम्हें सूचित नहीं कर सका। उसने मुझे फोन करके बताया और कहा कि तुम्हें बता दूं। अजय को याद था पिछली रात प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में उसकी नीरज रस्तोगी से मुलाकात हुई थी। वहीं गुरदयाल से उसे जय किशन के घर का पता मालूम हुआ था। अजय ने गहरी सांस ली। यही वजह थी कि रात में जय किशन अपने घर क्यों नहीं लौटा। एक्सीडेंट में जय किशन के साथ मरने वाला एक और आदमी था, नीलम कह रही थी। उसका नाम हल्दीराम था। उसके सर में गहरी चोट आई थी और उसकी गर्दन टूट गई थी। अजय पुनः चौंका, सर में गहरी चोट और गर्दन टूटी हुई? वह तीव्र स्वर में बोला, उसका हुलिया बता सकती हो? नहीं, मैंने तो उसकी लाश नहीं देखी, नीलम ने कहा। क्यों, तुम उसे जानते हो? नहीं, लेकिन मैं उसकी लाश जरूर देखना चाहूंगा, अजय ने कहा और खड़ा हो गया। तुम जरा कॉफी तैयार करो, मैं तब तक नित्य कर्मों से निर्वृत होता हूँ। नीलम ने कड़ी निगाहों से उसे घूरा, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिवाद करती
अजय कमरे से निकल चुका था। मजबूरन उसे उठकर किचन में जाना पड़ा। अजय थंडर के ऑफिस में अपने केबिन में बैठा था। उसके चेहरे पर गहन सोचपूर्ण भाव थे। सिगरेट के गहरे कश लेता हुआ वह किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वह अपने घर से सीधा मोर पहुंचा था। उसे जय किशन की लाश में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दूसरे आदमी की लाश को वह पहले ही निगाह में पहचान गया था। वही ऊंचा कद, चरहरा बदन, पीला रंग, सर तरबूज की तरह फटा हुआ और गर्दन टूटी हुई। लाख मना करने के बावजूद नीलम भी उसके साथ मोर गई थी और अब उसके सामने बैठी इस किस्से को जानने की जिद कर रही थी। मोर्ग से बाहर आने के बाद से वह सैकड़ों सवाल कर चुकी थी। पिछली रात तुम्हारी जय किशन से मुलाकात नहीं हुई थी? नीलम ने पूछा। नहीं, अजय बोला। मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ, जब मैं जय किशन के घर पहुंचा वह वहां से जा चुका था। तो फिर पीली रंगत वाले हल्दीराम को तुम कैसे जानते थे? वह तुम्हें कहाँ मिला था? मैं उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन वह एक दफ़ा मुझे मिला ज़रूर था। कहाँ? फुल मून बार कम रेस्टोरेंट में। वह स्टेज के पीछे सीढ़ियों के नीचे पड़ा था। उसका सर फटा हुआ था और गर्दन टूटी हुई थी। नीलम चौंकी। यानी वह मर चुका था? हाँ, उसकी मृत्यु कार दुर्घटना में नहीं हुई। वह उस कार में सवार होने से बहुत देर पहले मर चुका था। नीलम ने हैरानगी से उसकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब है कार एक्सीडेंट स्टेज किया गया था? अजय ने सहमति पूर्वक सर हिलाया। हाँ, लेकिन बकौल नीरज रस्तोगी वह ड्राइविंग सीट पर पड़ा पाया गया था। इसका मतलब जय किशन भी पहले ही मर चुका था, ऐसा ही लगता है। लेकिन क्यों? अगर वे दोनों पहले ही मर चुके थे तो एक्सीडेंट स्टेज करने की क्या जरूरत थी? मौकाए वारदात पर छानबीन करने और लाशों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पुलिस को साफ पता चल जाएगा कि उसकी मृत्यु कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। कोई उन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाना चाहता था। उसे एक्सीडेंट स्टेज करने वाले तरीके में ही ज्यादा सहूलियत दिखाई दी थी, अजय विचार पूर्वक बोला। उसने एक तीर से दो शिकार किए हैं। जय किशन की हत्या को भी दुर्घटना का रूप दे दिया गया है। नीलम के चेहरे पर असमंजसता के गहन भाव थे। बॉक्सिंग रैकेट की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है, वह बोली। आज सुबह अखबार में छपे समाचार के मुताबिक जय किशन मृतक बॉक्सर का मैनेजर था। जय किशन की हत्या की कोई तुक मेरी समझ में नहीं आती। भला उसकी हत्या से किसको क्या फायदा होना था? उन्हीं लोगों को फायदा होना था जिन्होंने गणपत की हत्या कराई थी। नीलम एकाएक उछल पड़ी। क्या तुम कहना चाहते हो गणपत की भी हत्या की गई थी? हाँ, नामुमकिन, नीलम दृढ़ स्वर में बोली। गणपत की मौत बॉक्सिंग रिंग में हुई थी और उस वक्त स्टेडियम में करीब 12,000 दर्शक मौजूद थे। जानता हूँ, अजय उसकी बात काटता हुआ बोला। मुल्क के हर बड़े शहर में उस फाइट पर मोटे दाव भी लगाए गए थे कि गणपत को सुखवंत पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देगा, जबकि आम तौर पर कहा जा रहा था कि गणपत जरूर चैंपियन का खिताब सुखवंत से छीन लेगा। फिर गणपत को पहले ही राउंड में नॉकआउट किए जाने पर दाव कैसे लगा दिए गए? इसका सीधा मतलब है कुछ लोग पहले से ही निश्चित रूप से जानते थे कि गणपत पहले ही राउंड में मर जाएगा। खुद जय किशन को भी इसकी पूर्व जानकारी रही होगी। फिर इस डर से ही जय किशन जुबान न खोल दे उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। मगर अखबार के मुताबिक तो गणपत की मृत्यु इंटरनल हैमरेज के कारण हुई थी, नीलम ने तर्क दिया। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि उसकी हत्या की गई थी? गणपत की हत्या कैसे की गई थी इस बारे में मैं ना तो कुछ जानता हूँ ना ही कुछ कहा है, लेकिन गणपत की हत्या की गई थी ऐसा समझने की कई ठोस वजह मेरे सामने है, जिनमें से एक मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ। और क्या वजह है? तुम्हें याद है ठीक 2 महीने पहले एक रात तुमने ब्लैक रोज रेस्टोरेंट में फ़ोन करके मुझे मैसेज दिया था कि रात में 12 बजे गणपत मुझसे बातें करना चाहता था। नीरम ने चंद क्षण सोचा, फिर सिर हिलाकर हामी भर दी। याद है? क्या तुम यकीन करोगे कि उसी रोज शाम के वक्त गणपत मेरे पास आया था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी हत्या कर दी जाएगी? नीलम पुनः चौंकी। क्या मुझे यकीन करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि गणपत वाकई मेरे पास आया था। उसने मुझे एक सील बंद लिफाफा भी दिया था, उसमें कॉल उसके बॉक्सिंग रैकेट का तमाम कच्चा चिट्ठा मौजूद था, नामों तारीखों
स्थान आदि के ब्योरे सहित। वह चाहता था कि वो लिफाफा मैं अपने पास ही रखूं और अगर उसे कुछ हो जाए तो उसमें मौजूद मसाला अपने अखबार में छपवा दूं। उसे यह उम्मीद क्यों थी कि उसको कुछ होगा? क्योंकि उसमें 2-3 दिन पहले ही अकरम नामक एक अन्य बॉक्सर से उसका मुकाबला हुआ था। उस मुकाबले से पहले उसे हिदायतें दी गई थी कि उसने अकरम से हारना था, क्योंकि गणपत की हार और अकरम की जीत पर इस धंधे के दादा लोगों ने बड़े बड़े दाव लगाए और लगवाए थे। लेकिन गणपत ने ऐन वक्त पर अपना इरादा बदल दिया और अकरम को नॉकआउट करके हरा दिया, यानी उसने दादा लोगों को डबल क्रॉस किया था। नीलम की उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर थी। अब वो लिफाफा कहाँ है? अजय ने गहरी सांस ली। पिछली रात मैं भी फाइट देखने गया था, वह बोला। गणपत की मौत ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं सीधा अपने फ्लैट पर पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही कोई सेन लगाकर कबोर्ड से लिफाफा पार कर चुका था। उसकी निगाहें नीलम के चेहरे पर जमी थी, जहां आश्चर्य मिश्रित उत्सुकता के भाव विद्यमान थे। इसका सीधा सा मतलब है, मेरे और गणपत के अलावा कोई तीसरा भी उस लिफाफे के बारे में जानता था। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, लिफाफे की जानकारी रखने वाले को अच्छी तरह मालूम था, बॉक्सिंग रिंग से गणपत नहीं उसकी लाश ही बाहर आएगी। इसलिए लिफाफा पिछली रात ही चुराया गया। अगर लिफाफा पहले ही चुरा लिया जाता तो गणपत ने सतर्क हो जाना था। उसके बॉक्सिंग रैकेट की मिलीभगत और गैर कानूनी जुए की पोल खोलने वाले वैसे ही दूसरे कागजात तैयार कर देने थे और उन्हें ऐसी जगह पहुंचा देना था जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। इसका मतलब गणपत की वाकई हत्या की गई थी, नीलम विचार पूर्वक बोली। और जय किशन क्योंकि इस बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए उसे भी ठिकाने लगा दिया गया। या तो यही वजह रही होगी, या फिर उसे भी गणपत अकरम वाली फाइट में डबल क्रॉस के लिए गणपत जितना ही कसूरवार समझा गया होगा। वजह कोई भी हो, मुद्दा यह है कि जय किशन की भी हत्या ही की गई थी। हाँ, तो फिर यह हल्दीराम कौन था और इस तस्वीर में कहाँ फिट होता था? अजय मुस्कुराया। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया कि दादा लोगों को आखिर किसी ने तो बताया होगा कि उनका बंटाधार कर देने वाला वो लिफाफा मेरे पास था? गणपत ने इस बारे में इतनी ज़्यादा एहतियात बरती थी कि वह दफ्तर में न आकर मेरे फ्लैट में मुझे लिफाफा देने आया था और दावे के साथ कहा था कि उसका पीछा नहीं किया गया था। फिर उससे मेरी दूसरी और आखिरी मुलाकात तभी हुई थी जब मैं उसके बुलावे पर उसके फ्लैट में पहुंचा था। अगले दिन वह अभ्यास के लिए चला गया। फिर उस रात उसके फ्लैट में एक लड़की भी थी। वह फुल मून बार कम रेस्टोरेंट की शो गर्ल थी, बेहद खूबसूरत और सेक्सी। सिर्फ वही मेरा गणपत से संबंध होने के बारे में जानती थी। पिछली रात मैं उसी से बातें करने फुल मून रेस्टोरेंट गया था। वहीं तुम्हें हल्दीराम को देखा था? हाँ, जब मैंने लीना विक्टर नामक उस लड़की के पास मिलने के लिए संदेश भिजवाया तो वह घबरा गई थी, अजय ने कहा और हल्दीराम के सीढ़ियों से गिरने के बारे में बता दिया। अंत में वह बोला, इस सिलसिले की एक और अजीब बात यह है कि रेस्टोरेंट का मैनेजर जगमोहन बिल्कुल चुपचाप है, जबकि वह जरूर जानता होगा कि मैं ही हल्दीराम की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ। नीलम देर तक खामोश बैठी उसे देखती रही। अंत में उसने पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के डॉक्टर गोयल से मिलना चाहता हूँ, अजय बोला। मुझे उम्मीद है गणपत की मौत के बारे में उससे विचार विमर्श करना फायदेमंद साबित होगा। और अपने डेस्क की ड्रॉर से एक एड्रेस बुक निकाली। डॉक्टर गोयल का टेलीफोन नंबर ढूंढकर उसने रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर सलमा जैदी से आउटलाइन मांगी। आउटलाइन मिल जाने पर उसने नंबर डायल किया। दूसरी और घंटी बजी, फिर डॉक्टर गोयल का स्वर लाइन पर उभरा। हेलो, अजय कुमार फ्रॉम थंडर स्पीकिंग डॉक्टर, अजय बोला। लाइन पर गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। फिर डॉक्टर ने कहा, बोलो, क्या आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हैं? अजय ने पूछा। थोड़ा क्यों, जितना चाहे वक्त ले सकते हो, डॉक्टर के स्वर में निराशा का गहन पुट था। मेरे पास वक्त ही वक्त है, मैं रिजाइन देने वाला हूँ, अजय चकराया। क्यों? उसने पूछा। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा क्या दोष है? हालात को देखते हुए सारा दोष मेरा ही है, अजय ने बहस करना मुनासिब नहीं समझा। मैं इसी सिलसिले में आपसे बातें करना चाहता हूँ, वह बोला। मुझे यकीन है मुझसे बातें करने के बाद आप खुद को दोषी नहीं समझेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू है?
जादू नहीं, कुछ तथ्य है और एक थ्योरी है। कोई फायदा नहीं होगा जय, आपको मुझसे मिलने में नुकसान भी नहीं होगा। लाइन पर कुछ देर खामोशी रही, मानो डॉक्टर तय कर रहा था क्या जवाब दे। ठीक है, अंत में वह बोला, तुम 2 बजे मेरे ऑफिस में आ जाओ। थैंक यू डॉक्टर, अजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। क्या रहा, नीलम ने पूछा। 2 बजे बुलाया है उसने, अजय बोला। फिर अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली, अभी सिर्फ 11:45 है। मैं चाहता हूँ इस बीच इन दोनों मृतकों के बारे में जानकारी हासिल की जाए। जय किशन और हल्दीराम के बारे में? हाँ, और वह लड़की क्या नाम बताया था तुमने? लीना, लीना विक्टर। फिलहाल उसे भूलना ही बेहतर होगा, अजय निराश स्वर में बोला। हल्दीराम की मौत एक्सीडेंट स्टेज किया जाने और जगमोहन के मामले को दबाने की कोशिश से जाहिर है कि लीना को भी ज़रूर किसी ऐसी जगह पहुंचा दिया गया होगा जहां से मैं उसकी गंध भी नहीं पा सकता। इन दोनों मृतकों के बारे में जानकारी कहां से हासिल करेंगे? नीलम ने पूछा। इंस्पेक्टर रविशंकर के माध्यम से। मेरा विचार है हल्दीराम जैसे आदमी का पुलिस रिकॉर्ड ज़रूर होना चाहिए। मैं भी तुम्हारे विचार से सहमत हूँ, अजय बोला, लेकिन फिलहाल रविशंकर को भी न छेड़ना ही ज़्यादा मुनासिब है। वह दुनिया भर के सवाल करके जान खा जाएगा, सब कुछ बता देने के बाद भी मेरी नेक नियति पर शक करता रहेगा और अपने पुलिसिया अंदाज में चेतावनी देगा कि मैं इस चक्कर में न पड़ूं, वरना यह हो जाएगा, वह हो जाएगा वगैरह। लेकिन देर सवेर उसे पता तो चल ही जाएगा कि तुम इस मामले में टांग अड़ा रहे हो, नीलम बोली, क्योंकि आज सुबह मोर्ग में दोनों मृतकों की लाशें देखने को इजाज़त पाने के लिए तुमने उसी का नाम इस्तेमाल किया था और वहां रखे रजिस्टर में अपना नाम पता भी दर्ज किया था। जब उसे पता चलेगा तब देखा जाएगा। तो फिर तुम इन दोनों मृतकों के बारे में और कैसे जानकारी हासिल करना चाहते हो? अपने थंडर का मोर्ग, समाचार पत्र के कार्यालय का वह कमरा जहां पुराने अखबारों की कटिंग्स वगैरह सहेज कर रखी जाती हैं, भी कम नहीं है। देश भर के अखबारों की कटिंग्स वहां मौजूद है और इसके इंचार्ज मुरारी लाल का दिमाग इस मामले में कंप्यूटर की तरह काम करता है। पहले वहीं ट्राई करूंगा, अगर बात नहीं बनी तब कुछ और सोचा जाएगा। इस काम में तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? नीलम ने उत्साहित स्वर में पूछा। हाँ, बशर्ते कि तुम्हें दूसरा कोई ज़रूरी काम ना हो। नीलम का मन मयूर खुशी से नाच उठा। उसे यकीन नहीं था कि अजय इतनी आसानी से उसे साथ रखने को तैयार हो जाएगा। इस वक्त मुझे कोई काम नहीं है, अजय खड़ा हो गया। देन कम ऑन। थंडर के मोर्ग का इंचार्ज मुरारी लाल अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने मोटे शीशों की ऐनक से अजय और नीलम को घूरा, फिर वह मुस्कुरा दिया। क्या इरादे हैं? उसने पूछा। लगता है आज तुम दोनों मेरा घेराव करने आए हो। मुरारी लाल को स्टाफ के अधिकांश व्यक्ति चचा कहकर संबोधित किया करते थे। उसकी उम्र के अलावा इसकी बड़ी वजह थी मोर्ग में मौजूद कटिंग्स के माध्यम से विभिन्न विषयों पर उसकी जानकारी, खास तौर से देश भर के अंडरवर्ल्ड के बारे में। नहीं चचा, आपके साथ ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत हम में नहीं है, अजय मुस्कुराता हुआ बोला। हम आपके पास मदद की उम्मीद लेकर आए हैं। मुरारी लाल ने नाक की फुनगी पर खिसक आई अपनी ऐनक ठीक से जमाई। किस सिलसिले में? 2 आदमियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए। उनके नाम हैं जय किशन और हल्दीराम। जय किशन एक पेशेवर बॉक्सर गणपत का, जिसकी कल रात बॉक्सिंग रिंग में मृत्यु हो गई थी, मैनेजर था। हल्दीराम पेशेवर बदमाश टाइप आदमी था और फुल मून बार कम रेस्तरां में काम करता था। तुम लोग बैठो। मुरारी लाल एक लंबी चौड़ी मेज के इर्द गिर्द पड़ी कुर्सियों की ओर इशारा करता हुआ बोला। मैं ट्राई करता हूँ, और वह दीवारों के साथ लगी ऊंची ऊंची रैक्स की ओर बढ़ गया। अजय और नीलम बैठ गए। करीब 10 मिनट तक विभिन्न रैक्स में फाइलें और बॉक्स फाइलें उलटता पुलटता रहने के बाद मुरारी लाल 3 लिफाफे लेकर लौटा। इनमें 2 में जय किशन के बारे में जानकारियां हैं, वह लिफाफे मेज पर रखता हुआ बोला। उनमें ज़्यादातर प्रोफेशनल स्पोर्ट से संबंधित हैं। 3रे लिफाफे में हल्दीराम के बारे में कुछ मसाला है। अगर उसके विषय में ज़्यादा जानना चाहते हो तो घनश्याम दास की फाइल देखनी पड़ेगी। घनश्याम दास नाम सुना है? वह दिल्ली में सफ़ेद पोश बदमाशों में टॉप समझा जाता है। अजय ने हल्दीराम वाला लिफाफा खोलकर अखबार की 4 कटिंग बाहर निकाली। बड़ी दिलचस्प बात है, वह कटिंग्स पर निगाहें दौड़ाता हुआ बोला। हल्दीराम को दिल्ली में पीला दरिंदा कहा जाता था। वह दिन दहाड़े
दो आदमियों को शूट करने के एक बखेड़े में वहां फंस गया था, इसलिए भाग कर यहाँ आ गया ताकि पुलिस के हाथों पड़ने से बचा रहे। हल्दीराम को दिल्ली में पीला दरिंदा कहा जाता था। वह दिन दहाड़े दो आदमियों को शूट करने के एक बखेड़े में वहां फंस गया था, इसलिए भाग कर यहाँ आ गया ताकि पुलिस के हाथों पड़ने से बचा रहे। अफवाहों के मुताबिक वह वहां घनश्याम दास का बॉडीगार्ड था। इसमें अजीब कुछ नहीं है, मुरारी लाल बोला। घनश्याम दास ने एक तीर से दो शिकार किए थे। फुल मून रेस्तरां में रहकर हल्दीराम पुलिस की निगाहों से तो बचा ही रह सकता था, साथ ही वह रेस्तरां के मैनेजर जगमोहन पर भी निगाहें रखकर उसकी गतिविधियों की रिपोर्ट अपने असली बॉस को देता रह सकता था। इसका मतलब है फुल मून रेस्तरां में घनश्याम दास का भी दखल है चचा, अजय ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। मुरारी लाल धूर्तता पूर्वक मुस्कुराया। इसका मतलब यह है कि तुम इस मामले में बिल्कुल कोरे हो अजय, वह बोला। सुनो, यहाँ जानकारियों का भंडार है, देश भर के तमाम अखबार यहाँ आते हैं। मेरा काम उन सबको एक खास ढंग से छांटकर अलग करके उन्हें तरतीब बार रखना है, इसलिए उनको पढ़ना भी पड़ता है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें बताता हूँ, दिल्ली बम्बई कलकत्ता और यहाँ विराट नगर के कुल मिलाकर चार आदमियों की एक चांडाल चौकड़ी है। फुल मून रेस्तरां उन चारों की मिल्कियत है। इन लोगों की एक ऐसी ही मिल्कियत बाकी तीनों शहरों में भी है। वे चारों दौलतमंद होने के साथ साथ साधन संपन्न भी हैं। अगर हल्दीराम घनश्याम दास का आदमी था और जगमोहन पर निगाह रखे था तो सीधी सी बात है, घनश्याम दास को जगमोहन पर एतबार नहीं था, अजय ने कहा। उस चौकड़ी के किसी भी चांडाल को आपस में एक दूसरे पर एतबार नहीं है, मुरारी लाल बोला। उन चारों ने अलग अलग अपने ठिकानों पर अपने अपने आदमी किसी न किसी बहाने तैनात किए हुए हैं। मैंने सुना है जब जगमोहन फ्री स्टाइल रेस्टर हुआ करता था तो वह श्रीकांत वर्मा का आदमी था, अजय ने पूछा। मेरी जानकारी के मुताबिक वह अभी भी उसी का आदमी है, मुरारी लाल ने जवाब दिया। उस दौर में जगमोहन की वजह से श्रीकांत ने मोटा पैसा कमाया था। बस यूं समझ लो कि अब जगमोहन को रेस्तरां का मैनेजर बनाकर उसे मोटी पेंशन दी जा रही है। आई सी, अजय ने कहा। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद चचा, फिर नीलम को एक मोटा लिफाफा देता हुआ बोला। देखो इसमें क्या मसाला भरा है। नीलम ने लिफाफा उठा लिया। एक मिनट, मुरारी लाल ने अजय को टोका। तुम जानना क्या चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि जिस चांडाल चौकड़ी का जिक्र आपने किया था, अजय बोला, क्या उससे जय किशन का भी कोई संबंध था? मुरारी लाल आत्मविश्वास पूर्वक मुस्कुराया। तो फिर इसके लिए पुराने अखबारों की कटिंग्स में सर खपाने की जरूरत नहीं, वह बोला। मैं ही बता देता हूँ, जय किशन चौकड़ी में बम्बई वाले चांडाल विक्रम राम भोसले का आदमी था। यहाँ आकर गणपत का मैनेजर बनने से पहले वह कलकत्ता में इस चौकड़ी के होटल प्लाजा का असिस्टेंट मैनेजर था, और उससे पहले वह बम्बई में ही हुआ करता था। अजय ने प्रशंसा पूर्वक उसकी ओर देखा। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर हल्दीराम दिल्ली वाले घनश्याम दास का आदमी था, जय किशन बम्बई के विक्रम राव भोसले का नुमाइंदा था और जगमोहन श्रीकांत वर्मा का आदमी था, तो सारा सिलसिला वाकई एक साथ जुड़ा हुआ था। इस चौकड़ी का चौथा चंडाल कौन है चचा, उसने पूछा। नरेन मुखर्जी, वह कलकत्ता में रहता है और बड़ा ही घाक किस्म का आदमी है, मुरारी लाल ने जवाब दिया। पिछले दिनों दिल्ली में हुई एक फ्री स्टाइल कुश्ती के मुकाबले को लेकर बाकी तीनों के खिलाफ तो इंक्वायरी हुई थी, लेकिन वह बंगाली खुद को साफ बचा गया था। तीनों के खिलाफ उस इंक्वायरी का नतीजा क्या रहा, अजय ने जानना चाहा। कुछ नहीं, सिर्फ एक बार उनके नाम पब्लिक के सामने आए, फिर मामला ठंडा पड़ गया। उन्होंने पैसे और अपनी अप्रोचेज के जरिए मामला दबवा दिया है। वैसे दिखावे के तौर पर इंक्वायरी अभी भी चल रही है, मुरारी लाल ने कहा। फिर पूछा, कुछ और जानना चाहते हो? नहीं चचा, इतना ही काफ़ी है, अजय नीलम सहित वापस अपने कैबिन में लौट आया। अगर यह सच है कि हल्दीराम घनश्याम दास का आदमी था और जय किशन विक्रम राव भोंसले का, नीलम ने पूछा, तो फिर वे तुम्हारे विचार से क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनके आदमी मर चुके हैं? अजय ने प्लेयर्स गोल्ड लीव का एक सिगरेट सुलगाया। कुछ नहीं, वह बोला, हल्दीराम की मौत एक दुर्घटना थी और जहां तक मैं समझता हूं, जय किशन को शायद विक्रम राव की सहमति से ही
मौत की सजा सुना दी गई थी, क्योंकि पिछली दफ़ा गणपत द्वारा डबल क्रॉस किए जाने के लिए उसे भी जिम्मेदार ठहराया गया होगा। नीलम ने गहरी सांस ली। तो फिर गणपत की हत्या किसने की थी? जहाँ तक मेरा अनुमान है, जय किशन ने। इस अनुमान की वजह? गणपत की मौत के बाद ही जय किशन की हत्या, अजय बोला। अब सवाल यह है कि गणपत की हत्या के लिए कौन सा रहस्यमय तरीका इस्तेमाल किया गया था? इसका मुनासिब जवाब शायद एक ही आदमी दे सकता है, डॉक्टर गोयल। मान लो डॉक्टर गोयल भी उन लोगों का ही आदमी हुआ, तो क्या वह तुम्हें जवाब दे देगा? ऐसा नहीं है, अजय दृढ़ स्वर में बोला। मैं डॉक्टर गोयल को व्यक्तिगत रूप से भी भली भांति जानता हूँ। वह ईमानदार और धर्म भीरु आदमी है। दूसरे, अगर ऐसा होता तो डॉक्टर की माली हालत सिर्फ एक वेतन प्राप्त डॉक्टर जैसी ही नहीं होनी थी। तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को डॉक्टर को अपना राजदार बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर से वे कोई गलत काम नहीं कराते रहे हैं। उसने नीलम की ओर देखा। अब तुम जाओ और अपना वो काम भी करो जिसकी तनख्वाह तुम्हें मिलती है। नीलम को बुरा तो लगा, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। वह चुपचाप उठी और केबिन से निकल गई। अजय मुरारी लाल द्वारा दी गई जानकारी को मद्देनजर रखते हुए इस सिलसिले के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद ट्रेनी रिपोर्टर विमल के केबिन में दाखिल हुआ। तुम कभी फुल मून बार कम रेस्टोरेंट में गए हो विमल? अजय ने पूछा। 2-3 बार गया हूँ, विमल हिचकिचाता सा बोला। वहाँ सुनहरी बालों और नीली आंखों वाली एक शो गर्ल को देखा था? जी हाँ, उसका नाम लीना विक्टर है, अजय ने कहा। उसके घर तथा दूसरे ठौर ठिकानों का पता लगाकर यह मालूम करने की कोशिश करूँ, क्या वह इसी शहर में है? और अगर है तो कहाँ? हालांकि मुझे उम्मीद तो नहीं है कि उसका कोई सुराग मिलेगा, फिर भी कोशिश कर देखने में कोई हर्ज नहीं है। विमल दरवाजे की ओर पड़ा ही था, अजय ने टोक दिया। इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं है, विमल ने सहमति सूचक सर हिलाया और बाहर निकल गया। अजय कुछ देर बैठा सोचता रहा, फिर वह अपने केबिन से निकला। रिसेप्शन के सामने से गुजरकर लिफ्ट द्वारा नीचे पहुंचा। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर कोई ऑफिस नहीं था। वह वहां मौजूद 4 पब्लिक कॉल बूथ में से एक में जा घुसा। उसने एक नंबर डायल किया। पुलिस हेडक्वार्टर्स, दूसरी ओर से कहा गया। अजय ने हाथ में पकड़ा 50 पैसे का सिक्का कॉइन बॉक्स में डाल दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, वह जानबूझकर भारी स्वर में बोला। आज सुबह पुराने पुल के आगे कार में जो 2 लाशें पाई गई थी, वे आदमी कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, एक्सीडेंट स्टेज किया गया था। मगर इस मामले को असलियत जानना चाहते हो तो फुल मून रेस्टोरेंट की सुनहरी बालों और नीली आंखों वाली शो गर्ल लीना विक्टर को फौरन तलाश करो। फुल मून रेस्टोरेंट, लीना विक्टर, आप कौन साहब बोल रहे हैं? दूसरी ओर से आतुर स्वर में पूछा गया। इनायत अल्लाह खां। कहाँ से? यतीम खाने से, अजय मनी मन हंसता हुआ बोला। मेरी टिप पर फौरन काम शुरू कर दो और एक बार फिर लीना का नाम और हुलिया दोहरा कर संबंध विच्छेद कर दिया। अजय ठीक 2 बजे डॉक्टर गोयल के फ्लैट पर पहुंचा। डोरबेल की आवाज़ के जवाब में दरवाजा खुद डॉक्टर ने खोला। वह ठिगरे कद और भारी बदन का करीब 55 वर्षीय सांवला सा आदमी था। उसके धीर गंभीर चेहरे पर परेशानी और उलझन के गहरे भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। उसकी आंखों की हालत से जाहिर था कि वह रात भर सो नहीं सका था। आओ अजय, वह दरवाजे से एक तरफ हटता हुआ मायूस लहजे में बोला। अजय अंदर आ गया। डॉक्टर दरवाजा पुनः बंद करके पलटा। बैठो, वह बोला। अजय एक सोफा चेयर पर बैठ गया। डॉक्टर दूसरे दरवाजे से अंदर गया और चंद क्षणों परांत ही वापस लौटकर उसके सामने आ बैठा। कुछ भी कहने से पहले मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूँ डॉक्टर, आपके और मेरे बीच जो भी बातें होंगी वे सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहेंगी, अजय एकदम सीधी बात करता हुआ बोला। क्या गणपत की लाश का पोस्टमार्टम किया गया है? डॉक्टर ने अनिच्छापूर्वक कंधे झटकाए। हाँ, वह बोला। आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जानकारी है? डॉक्टर ने सर हिलाकर हामी भर दी। रिपोर्ट इतनी हैरत अंगेज है कि मेरी अक्ल, नॉलेज और तजुर्बे का दिवाला पीट कर रख दिया है, वह विवश स्वर में बोला। ऐसा लगता है जैसे मैं MBBS की डिग्री लेकर भी
आज तक घास ही काटता रहा हूँ। असलियत यह है, अगर मेरी जगह किसी और डॉक्टर ने गणपत का चेकअप किया होता तो खुद मैंने भी उस डॉक्टर को डॉक्टर न समझकर घसियारा ही समझना था। रिपोर्ट क्या कहती है? डॉक्टर गोयल ने गहरी सांस ली। रिपोर्ट के मुताबिक गणपत की मौत की वजह उसके दिल के आसपास की धमनियों में जबरदस्त हेमरेज होना थी। उसके दिल की हालत इतनी खस्ता पाई गई मानो वह सालों से भारी हार्ट ट्रबल का शिकार था। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो उसकी हालत ऐसे पक्के और एकदम पिल पिले टमाटर जैसी थी जो मामूली ठसक से ही फट सकता है। दिल की ऐसी हालत को कोई अनाड़ी डॉक्टर भी आसानी से भांप सकता था, लेकिन मैंने गणपत को हर तरह से फिट डिक्लेयर करते हुए फाइटिंग के लिए रिंग में चला जाने दिया। अजय को भी सुनकर कम हैरानी नहीं हुई। उसने असमंजसतापूर्वक डॉक्टर की ओर देखा। लेकिन जब आपने गणपत का चेकअप किया था तो उसका दिल सही हालत में था? 100% सही हालत में, डॉक्टर गोयल दृढ़तापूर्वक बोला। गणपत हर लिहाज से बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हालत में था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पूरी तरह सही है। मैं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिल चुका हूँ। आपको पक्का यकीन है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही है? बिल्कुल पक्का, डॉक्टर ने बेहिचक जवाब दिया। लगता है बुढ़ापे का असर शुरू होने की वजह से मेरी अकल खराब होने लगी है। अब मुझे दिल का सही परीक्षण की तमीज नहीं रह गई है। अजय ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, आपने गणपत की जांच उसके रिंग में जाने से कितनी देर पहले की थी? करीब 3 घंटे पहले। आपने गणपत को रिंग में जाने के बाद भी देखा था जब वह बाहें और टांगे झटक कर अपने जिस्म को खोल रहा था और फाइट शुरू होते ही जिस ढंग से वह उछल कूद कर रहा था? अजय ने पूछा। सवाल यह है, अगर उसके दिल की हालत वैसी थी जैसी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई गई है, तो क्या वह इतनी चुस्ती फुर्ती का प्रदर्शन कर सकता था? हरगिज़ नहीं। अब मान लीजिए आपने गणपत की जो शारीरिक जांच की थी उसमें कोई नुक्स नहीं था और उसका दिल बिल्कुल स्वस्थ था, तो क्या लगातार उसकी छाती पर पड़े घूंसों की वजह से उसके दिल की हालत पिलपिली टमाटर जैसी हो सकती थी? उसे हेमरेज हो सकता था और वह मर सकता था? डॉक्टर ने कुछ पल सोचा, फिर सर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं, मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ पिछले 6 साल से हूँ, वह बोला। मैंने सुखवंत को उस वक्त देखा था जब वह अपनी पूरी जवानी में था। उस वक्त भी उसका घूंसा इतना वजनी नहीं था। अब तो वह पहले के मुकाबले काफ़ी गिर गया है और पिछले कई साल से शराब भी खूब पी रहा है। यहाँ तक कि फाइट के दौरान भी अपनी पानी की बोतल में वोडका भरकर रखता है। अगर पिछली रात गणपत की बजाय वह मर गया होता तो मुझे ज़्यादा ताज्जुब नहीं होना था। अगर गणपत के दिल को सुखवंत के घूसों से नुकसान नहीं पहुँचा तो उतना भारी नुकसान और किस तरह पहुँच सकता था? तभी डॉक्टर की पत्नी एक ट्रे में कॉफ़ी के 2 प्यालों सहित भीतर दाखिल हुई। अजय ने उठकर हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया और कुशल क्षेम पूछी। उसने ट्रे नीचे मेज पर रखी, औपचारिक ढंग से जवाब दिया और वापस चली गई। वह भी अजय को उदासी की तस्वीर नजर आई थी। डॉक्टर धीरे धीरे कॉफ़ी चुसकने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी और गहरे सोच विचार में फंसा नजर आ रहा था। मैंने यह नहीं कहा है कि छाती पर हुए प्रहार से दिल को नुकसान नहीं पहुँच सकता, लंबी खामोशी के बाद वह बोला। मैंने कहा है सुखवंत के प्रहारों में इतना दम नहीं था कि गणपत के पूर्णता सामान्य एवं स्वस्थ दिल को नुकसान पहुंचवा पाता, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि ऐसा हुआ है तो सिर्फ एक ही संभावना बाकी बचती है, गणपत को एन्यूनिज्म, ऐसी बीमारी जिसमें धमनी किसी स्थान पर बेहद नर्म हो जाती है, रहा हो और मेरे द्वारा किए गए उसके मेडिकल एग्जामिनेशन में यह बात कभी मेरे सामने ना आ पाई हो। कभी कभी यह बीमारी जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है, बीमार व्यक्ति को इसका पता तक नहीं चलता और वह अचानक कभी भी मर सकता है। पोस्टमार्टम में दिल की जो हालत सामने आई है उसकी संभवतः यह भी वजह हो सकती है। अजय खामोशी के साथ कॉफ़ी चुसकता हुआ कुछ देर सोचता रहा। एन्यूरिज नामक बीमारी के अलावा क्या किसी और तरीके से भी धमनी को किसी स्थान पर बेहद नर्म बनाया जा सकता है? उसने पूछा। मेरा मतलब है किसी ड्रग से? डॉक्टर आगे झुक गया। उसके तनावपूर्ण चेहरे पर मानसिक संघर्ष के चिन्ह परिलक्षित हो रहे थे।
जैसा कि तुमने फोन पर बताया था, तुम वाकई कुछ जानते हो या महज एक सवाल पूछ रहे हो? उसने पूछा। मेरे पास एक थ्योरी है, अजय बोला। वो बिल्कुल बेबुनियाद भी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि क्या किसी दवा से भी धमनी को इतना कमज़ोर बनाया जा सकता है कि नतीजे के तौर पर हैमरेज हो जाए। डॉक्टर ने विस्तार पूर्वक अजय की ओर देखा, फिर सर हिलाकर सहमति दे दी। हाँ, ऐसा किया जा सकता है। अजय को जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ। किस ड्रग से? उसने पूछा। सिप्रिट ग्लाइसेरिलीज नाइट्रेसिड से, डॉक्टर बोला। इसे आम बोलचाल में नाइट्रोग्लिसरीन कहा जाता है। इससे धमनियों का आकार फैल जाता है। डॉक्टर यूं बता रहा था मानो क्लासरूम में लेक्चर दे रहा था। विभिन्न ट्रेड नेम से बाजार में उपलब्ध इस दवा को एंजिना पेक्टोरिस नामक हृदय रोग में रोगी को दिया जाता है। इस रोग में धमनियां सिकुड़ जाती हैं और हृदय की ओर जाने वाला रक्त उनसे सामान्य रूप से प्रभावित नहीं हो पाता है। नाइट्रोग्लिसरीन धमनियों के आकार को फैलाकर उनका संकुचन दूर कर देती है और उनमें सही ढंग से रक्त प्रवाहित होने लगता है। अगर इस दवा को किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसका हृदय पूरी तरह स्वस्थ हो, तब क्या होगा? डॉक्टर ने पल भर सोचा, फिर बोला, संभवतः नतीजा खत्म होगा। धमनियों का आकार फैल जाएगा, वे रक्त से भर जाएंगी और उनका लचीलापन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उस हालत में अगर उस आदमी के हृदय पर लगातार भारी प्रहार किए जाएं, तो धमनियां फट भी सकती हैं। ज़रूर, और यह भी ज़रूरी नहीं कि भारी प्रहार ही किए जाएं। लगातार हुए सामान्य प्रहारों से भी यही नतीजा हो सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन का असर शुरू होने में कितनी देर लगती है? करीब 2 मिनट। और पूरा असर कितनी देर में हो जाता है? 5-7 मिनट में। अजय ने अपनी कॉफ़ी खत्म करके पैकेट निकाला, डॉक्टर को सिगरेट ऑफर की और दोनों सिगरेटें जलाने के बाद बोला, जाहिर है कि गणपत के साथ भी यही हुआ था। राउंड की शुरुआत में वह बिल्कुल भला चंगा था। करीब 2 मिनट बाद उसमें शिथिलता आनी शुरू हो गई थी। फिर अचानक वह ढहता चला गया। वह तनिक रुका, फिर पूछा, यह दवा किस प्रकार दी जाती है? क्या मतलब? क्या लिक्विड फॉर्म में पिलाई जाती है या गोलियों की शक्ल में निगली जाती है या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है? दोनों तरह दी जा सकती है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा असरकारक साबित होती है। इसका स्वाद कैसा होता है? एल्कोहल से मिलता जुलता। आपने बताया है कि सुखवंत फाइट के दौरान वोदका का सेवन किया करता है। क्या गणपत भी अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए ऐसी किसी चीज का सेवन किया करता था? मैं निश्चित रूप से तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने सुना था कि गणपत को रिंग में जाने से पहले जय किशन जड़ी बूटियों से बना कोई पेय पिलाया करता था। नाइट्रोग्लिसरीन की इतनी मात्रा से जो जानलेवा साबित हो सकती थी, क्या उस पेय का स्वाद इतना बदल सकता था कि गणपत पीने से इनकार कर देता? अगर यह सच है कि जय किशन वास्तव में कोई पेय पिलाता था, तो स्वाद बदलने पर भी मेरे विचार से गणपत ने इनकार नहीं करना था। बात ठीक थी, अजय को भी मानना पड़ा। गणपत ने इनकार नहीं किया होगा। बड़ी बात यह थी कि गणपत का सारा ध्यान सुखवंत को हराकर उससे चैंपियनशिप का खिताब छीनने पर केंद्रित था। मुमकिन है कथित पेय के स्वाद की ओर उसने ध्यान ही नहीं दिया था। मान लो गणपत को इसी प्रकार नाइट्रोग्लिसरीन पिला दी गई, तो क्या उसके खून में नाइट्राइट की मौजूदगी के लक्षण नहीं पाए जाते थे? यह कोई दमदार तर्क नहीं है। खून में नाइट्राइट की मौजूदगी की और भी बहुत सी वजह हो सकती हैं। हाँ, अगर यह साबित किया जा सके कि गणपत के खून में नाइट्राइट कैसे पहुँचा, तब बात सरासर अलग होगी। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अजय मुस्कुराया। आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के इस धंधे में एक लंबी मुद्दत से जड़े हुए हैं, वह बोला। अगर मैं कहूँ कि आपकी जानकारी खुद आपके और मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगी, तो क्या आप मुझे जानकारी देने की मेहरबानी करेंगे? डॉक्टर हिचकिचाया, फिर बोला, अगर तुम एक सवाल का जवाब दो। पूछिए। तुम इस मामले में क्यों दिलचस्पी ले रहे हो? जाहिर है कि तुम सिर्फ मेरी मदद करने की खातिर मेरे पास नहीं आए हो। गणपत का विचार था कि उसकी हत्या की जाने वाली थी। इस मामले में वह मेरे पास मदद मांगने आया था। उसकी मौत को तो मैं नहीं टाल सका, लेकिन अब उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को मैं कानून के हवाले करना चाहता हूँ। आपकी मदद करना महज एक इत्तफाक है, अजय ने गोलमोल जवाब दिया।
डॉक्टर ने कुछ देर सोचा, फिर सर हिला दिया। ठीक है, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? जयकिशन गणपत का मैनेजर कैसे बना? कोई 3 साल पहले बॉक्सिंग के क्षेत्र में यह बात सामने आने लगी थी कि गणपत में एक लाजवाब बॉक्सर की तमाम खूबियां मौजूद थी। डॉक्टर ने धैर्यपूर्वक कहना आरंभ किया, इस धंधे के दक्ष लोगों ने, जिन्हें मैं आज तक भी नहीं जानता, उस वक्त भी सुखवंत को चैंपियन बनाया हुआ था। उसके लिए सावधानी पूर्वक विपक्षी का चुनाव करके वे खासा पैसा बटोर रहे थे, लेकिन सुखवंत को शराब की भारी लत पड़ चुकी थी और यह साफ नजर आने लगा था कि पैसा बटोरने के मामले में उस पर ज्यादा दिन निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसलिए वे दादा लोग गणपत के सरपरस्त बन गए। उस वक्त जयकिशन उसका मैनेजर नहीं था? अजय ने टोका। नहीं, डॉक्टर सर हिलाकर इनकार करता हुआ बोला, उन दिनों गणपत का मैनेजर ज्ञानचंद हुआ करता था। वह गणपत को अपने सगे भाई की तरह चाहता था, लेकिन किसी ने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन से शिकायत कर दी कि ज्ञानचंद समलैंगिक मैथुन का आदि था और इस चक्कर में कई वर्ष पहले सजा भी काट चुका था। क्योंकि शिकायत करने वाला एक अखबार नवीस था, इसलिए एसोसिएशन ने गंभीरतापूर्वक इस पर विचार किया और उसे मैनेजर पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ज्ञानचंद को हटाने के बाद जयकिशन को बुलाकर गणपत का मैनेजर बना दिया गया। फिर सरासर धोखाधड़ी और पब्लिक को बेवकूफ बनाने का सिलसिला शुरू हो गया, यानी फाइटों में मिलीभगत होने लगी। लेकिन मैं तो समझता था कि गणपत एक बहुत ही बढ़िया बॉक्सर था। इसमें कोई शक नहीं कि वह बढ़िया बॉक्सर था, लेकिन उस वक्त वह उतना बढ़िया नहीं था। उसका मुकाबला हमेशा इससे ड्योढ़े बॉक्सरों से कराया जाता था और वह उन्हें हरा देता था, क्योंकि दादा लोग उसकी पीठ पर थे। इसलिए उस वक्त उसके लिए बढ़िया होना जरूरी भी नहीं था, मगर दादा लोग मेरी पीठ पर होते तो मैं भी चैंपियन बन सकता था। वे गणपत के विपक्षियों को पहले ही हारने के लिए कह देते थे और वे हार जाया करते थे, क्योंकि पेशे के तौर पर इस धंधे से रोजी कमाने के लिए उन्हें भी दादाओं की मेहरबानियों की ज़रूरत होती थी। गणपत को मशहूर कराने में दादाओं के एक पालतू स्पोर्ट्स राइटर का भी बड़ा हाथ रहा था। आप उन लोगों के नाम नहीं जानते? मैं जो कुछ तुम्हें बता रहा हूँ यह सच है, लेकिन मैं इसे साबित नहीं कर सकता। दूसरे मैं अखबार वालों या दूसरों से किसी भी प्रकार की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। आप बेकार निराश हो रहे हैं डॉक्टर। यह ठीक है कि किसी प्रकार का ठोस सबूत उन लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन फाइट अभी जारी है। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि आखिरी राउंड में हार उन्हीं की होगी। मुझे तो लगता है फाइट खत्म हो गई है, डॉक्टर विवशतापूर्वक बोला। जो दो आदमी दादा लोगों की पोल खोल सकते थे वे हार चुके हैं, उनकी पोल खुलकर ही रहेगी। कैसे? जो लोग गणपत और जयकिशन की मौत के लिए जिम्मेदार हैं उनके जरिए। तुम समझते हो वे काबू में आ जाएंगे? चारों तरफ से घिर चुका होने के बाद कौन क्या करेगा कोई नहीं बता सकता। हम उन्हें घेरना शुरू करेंगे और उन्हें कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देंगे, और उनका वो एक ही गलत कदम निश्चित रूप से उन्हें ले डूबेगा, अजय ने कहा और खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने डॉक्टर से हाथ मिलाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अब अजय डॉक्टर गोयल से विदा ले रहा था। उससे करीब 5 घंटे पहले विराट नगर से सुबह 8 बजे रवाना होने वाला इंडियन एयरलाइंस का प्लेन मुंबई पहुंच चुका था। प्लेन से सबसे पहले उतरने वाली यात्री लीना विक्टर थी। हवाई जहाज से सफर करने का यह उसकी जिंदगी का पहला अवसर था। सफर रोमांच को दिल में समेटे वह उत्साहित भाव से रिसेप्शन हॉल की ओर बढ़ गई। वह बेहद खुश थी। एक बार नाकाम होने के बाद आखिरकार अब उसका सपना साकार होने वाला था। वह मन ही मन कहती रही थी, वह फिल्मों में तगड़ा ब्रेक पा जाएगी। विक्रम राव भोसले जैसे फाइनेंसर की बैकिंग से फिल्म जगत में अपने लिए जगह बनाने में उसे देर नहीं लगेगी। इन्हीं सुखद कल्पनाओं से रोमांचित लीना रिसेप्शन हॉल में आ गई। जगमोहन ने उसे बताया कि भोसले का शोफर उसे बुक स्टॉल पर मिलेगा। फलस्वरूप वह बुक स्टॉल पर पहुंची और एक फिल्मी मैगजीन उठाकर उसके पृष्ठ पलटने लगी। वह इस बात से बेखबर नहीं थी कि आसपास मौजूद लोग उसे प्रशंसापूर्ण निगाहों से घूर रहे थे। कोई 1.5 मिनट बाद एक वर्दीधारी शोफर उसके पास पहुंचा। एक्सक्यूज मी, शोफर ने शिष्ट स्वर में सम्मानपूर्वक पूछा, आर यू मिस लीना विक्टर?
लीना का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने मैगजीन वापस रखकर शोफर की ओर देखा और सहमति सूचक सर हिला दिया। आर यू फ्रॉम मिस्टर वी आर भोंसले, उसने पूछा। यस मैडम, शोफर बोला। गिव मी टिकट, आई विल क्लियर योर लगेज। लीना हिचकिचाई फिर बोली, मैं खाली हाथ आई हूँ, मेरा सामान बाद में आएगा। ठीक है, आइए, शोफर ने कहा और पलटकर चल दिया। लीना भी उसके पीछे चलती। एयरपोर्ट की इमारत के बाहर पार्किंग में खड़ी नई एम्बेसडर के पास पहुंचकर शोफर ने सम्मान पूर्वक दरवाजा खोला। लीना पिछली सीट पर बैठ गई। शोफर दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। कार सड़क पर फिसलने लगी। चहल पहल भरी सड़कों पर निगाहें दौड़ाती हुई लीना पुनः अपनी कल्पनाओं में खो गई। करीब पौना घंटे बाद शोफर ने एक विशाल दो मंजिला कोठी के पोर्टिको में कार रोकी। वह नीचे उतरा और पिछला दरवाजा खोला। लीना कार से बाहर आ गई। आप अंदर जाइए मैडम, शोफर बोला। साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। लीना संकोच पूर्वक प्रवेश द्वार पर पहुंची। उसने डोर बेल पुश दबा दिया। चंद क्षणों उपरांत खुद विक्रम राव भोसले ने दरवाजा खोला। वह कहीं बाहर जाने के लिए तैयार प्रतीत होता था। उसने प्रशंसापूर्ण निगाहों से सर से पांव तक बारीकी से लीना का मुआयना किया, फिर धूर्तता पूर्वक मुस्कुराया। यू आर मिस लीना विक्टर, उसने शिष्ट स्वर में पूछा। भोसले के व्यक्तित्व से प्रभावित लीना बौखलासी गई। यस सर, वह बोली। मेरा नाम विक्रम राव भोसले है, भोसले पूर्वता स्वर में बोला। अंदर आओ, और एक तरफ हट गया। लीना ने राहत की गहरी सांस ली। वह भीतर दाखिल हो गई। भोसले ने पुनः दरवाजा बंद कर दिया। वह लीना सहित विजिटर रूम से गुजरकर ड्राइंग रूम में पहुंचा। सफर कैसा रहा लीना, उसने पूछा। लीना ने जवाब नहीं दिया। वह आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देख रही थी। इतना शानदार ड्राइंग रूम उसने पहले कभी नहीं देखा। सफर कैसा रहा, भोसले ने पुनः पूछा। बहुत अच्छा, लीना चौंकती सी बोली, फिर प्रशंसापूर्ण स्वर में कहा। आपकी कोठी बहुत शानदार है। शुक्रिया, भोसले मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि यह तुम्हें पसंद आई। फिलहाल तुम यही रहोगी। आओ, तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आप क्यों तकलीफ करते हैं किसी नौकर को? आज नौकरों की छुट्टी है, आओ। वे दोनों दाएं दरवाजे से बाहर निकले और लंबे कॉरिडोर में चल दिए। भोसले एक कमरे के सामने रुका और दरवाजा खोला। यही है तुम्हारा कमरा, तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो लो, वह बोला। मैं पीटर को भेजता हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो निसंकोच उसे बता देना। मुझे कुछ कपड़े और निजी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें चाहिए, लीना हिचकिचाती सी बोली। उसका इंतज़ाम हो जाएगा, भोसले ने आश्वासन दिया। अभी तुम आराम करो। लीना कमरे में दाखिल हो गई। भोसले ने दरवाज़ा बंद कर दिया। लीना ने बाहर कॉरिडोर में दूर जाती कदमों की आहट से अंदाज़ा लगाया। भोसले जा चुका था। उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। सभी आवश्यक सुविधापूर्ण उपकरणों से सुसज्जित वो कमरा गेस्ट रूम प्रतीत होता था। वह आगे बढ़ी और खिड़की खोल दी। मजबूत ग्रिल वाली वो खिड़की खूबसूरत गार्डन की ओर खुलती थी। लीना गार्डन को निहारती हुई अपने भावी जीवन की सुखद कल्पनाओं में खोने लगी। लगभग 15 मिनट बाद दरवाजा खुलने की आहट सुनकर वह अपने कल्पना लोक से बाहर आ गई। उसने पलट कर देखा। आगंतुक वही आदमी था जो उसे एयरपोर्ट से कार द्वारा यहाँ लाया था। वह भीतर आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके जिस्म पर अब ना तो शोफर वाली वर्दी थी और ना ही चेहरे पर वे सम्मानपूर्ण भाव थे जो एयरपोर्ट से यहाँ तक मौजूद रहे थे। वह एक टक उसे घूरे जा रहा था। अचानक लीना को किसी अज्ञात भय की सर्द लहर अपने जिस्म से गुजरती महसूस हुई। क्या बात है, उसने व्याकुलता पूर्वक पूछा। कुछ नहीं, शोफर कुटिल स्वर में बोला। तो फिर इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? तुम इतनी हसीन हो कि निगाहें हटाने को जी नहीं चाहता। लीना को गुस्सा आ गया। क्या बकते हो, शोफर हंसा। थोड़ा और गुस्सा करो तो और भी ज़्यादा हसीन लगोगी। गेट आउट, लीना चिल्लाई। नखरे मत दिखाओ, मेरा नाम पीटर है, शोफर धूर्ततापूर्ण स्वर में बोला। तुमने हफ्ता 10 दिन मेरे साथ ही रहना है। मेरा कहना मानोगी तो सुखी रहोगी, वरना। उसने शेष वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। लीना किसी भयानक अनिष्ट की आशंका से मनी मन कांप गई। देखो, मैं तुम्हें किसी परेशानी में डालना नहीं चाहती, वह स्वयं को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करती हुई बोली। अगर मैंने भोसले साहब से तुम्हारी शिकायत कर दी तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे।
पीटर उसकी ओर बढ़ा। अच्छा, तो फिर जाओ, ऐसा ही करो। लीना उससे बचकर दरवाजे की ओर बढ़ी। पीटर लपका, उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस घुमाया और जोर से धकेल दिया। लीना ने संभलने की पूरी कोशिश की, लेकिन संभल नहीं सकी। वह पीठ के बल बिस्तर पर जा गिरी। उसका स्कर्ट लगभग कूलों तक ऊपर उलट गया। वह हैरानगी से आंखें फाड़े उसे घूरने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था। पीटर ने दरवाजे के की होल में फंसी चाबी घुमाकर बाहर निकाली और जेब में डाल ली। तुम्हें मेरा एहसान मंद होना चाहिए कि मैं तुम में दिलचस्पी ले रहा हूँ, वह लार टपकाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखता हुआ बोला। अब से चंद हफ्तों बाद कोई आदमी तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं। तुम पागल तो नहीं हो, लीना उसे घूरती हुई बोली। मुझे फिल्मों में ब्रेक देने के लिए यहाँ बुलाया गया है, पीटर ने जोरदार कहकहा लगाया। तुम्हें ब्रेक तो दिया जाएगा, लेकिन फिल्मों में नहीं। तुम मलिका बनोगी किसी दौलतमंद शेख के दिल की। लीना फौरन पलंग से कूद गई, दौड़कर दरवाजे पर पहुंची और दोनों हाथों से दरवाजे पर मुक्के मारती हुई चिल्लाई, भोसले साहब, भोसले साहब। क्यों बेकार चीख कर अपना गला खराब कर रही हो, पीटर गुर्रा कर बोला। साहब जा चुके हैं, पूरी कोठी में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और ना ही दो हफ्ते तक यहाँ कोई आएगा। लीना ने मानो सुना नहीं था, वह उसी प्रकार चिल्लाती रही। पीटर उसके पास पहुंचा, उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया और एक जोरदार हाथ उसके मुंह पर जमा दिया। आतंकित लीना की चीख गले में घुटकर रह गई। उसका निचला होंठ फट गया और खून बहने लगा। उसे अपना सर चकराता सा प्रतीत हुआ और कान में साए सी हो रही थी। मुझे चीखने वाली औरतों से नफरत है, पीटर गुर्राया। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लीना रोती हुई बोली। तुम बहुत से आदमियों के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई कि तुम्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। हम तुम्हारा ऐसा इंतज़ाम करने वाले हैं कि अगर कभी तुमने जुबान खोल भी थी तो कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। लीना को पहली बार असलियत का पता चला। वह समझ गई कि उसे बड़ी खूबसूरती के साथ षड्यंत्र में फंसाकर विराट नगर से दूर हटा दिया गया था। लेकिन अब क्या होगा, अगर उसे जान से मारना होता तो यह काम विराट नगर में भी किया जा सकता था और क्या अंजाम होगा उसका। मेरा मुंह बंद करने के लिए तुम्हें मेरी जान लेनी पड़ेगी, वह स्थिति का सामना करने लायक मुनासिब हौसला जुटाने की कोशिश करती हुई बोली। आखिरकार तुम मुझे जिंदगी भर तो यहाँ कैद करके नहीं रख सकते, ऐसा कोई इरादा हमारा नहीं है। फिर और क्या करोगे, हफ्ते 10 दिन बाद तुम्हें किसी ऐसे शेख के हाथों में बेच दिया जाएगा जो तुम्हें अपने हरम में रखेगा। दुनिया भर की सारी सहूलतें तुम्हें हासिल होगी, रेगुलर सप्लाई भी मिलेगी। सप्लाई? हाँ, हेरोइन की सप्लाई, क्योंकि अगले 10 दिन में तुम इसकी इस कदर आदि हो जाओगी कि इसके बगैर रह नहीं सकोगी। तुम वक्त पर फिक्स पाने की एवज में सब कुछ करने को तैयार हो जाओगी। शेख तुम्हें तब तक हेरोइन देगा जब तक कि तुमसे उसका दिल भर नहीं जाता, फिर वह तुम्हें किसी और के हाथों बेच देगा और यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि तुम्हारे जिस्म में जवानी का जोश मौजूद रहेगा। उसके बाद शायद यह होगा कि फिक्स की ज़रूरत महसूस होने पर फिक्स न मिलने की वजह से तुम तड़प तड़प कर जान दे दोगी, यानी खुदकुशी कर लोगी। लीना सर से पांव तक कांप गई। इस खौफनाक अंजाम की तो वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। नहीं, वह फंसी सी आवाज़ में बोली, ऐसा मत करो। मैं खुदा बाप की कसम खाती हूँ, कभी किसी के सामने जबान नहीं खोलूँगी। सवाल तुम्हारी चाहत का नहीं, हमारी ज़रूरत का है। लीना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका चेहरा भय से सफ़ेद पड़ गया था, जिस्म से पसीना बह रहा था और टांगे कांप रही थी। वह तब तक पीछे हटती रही जब तक कि दीवार से न जा लगी। पीटर हंसता हुआ उसकी ओर बढ़ा। लीना ने स्वयं को प्रतिरोध के लिए तैयार करना चाहा। वह बस इतना ही कर सकी कि अपनी उंगलियां इस ढंग से मोड़ ली मानो अपने लंबे नाखूनों से पीटर का चेहरा नोचना चाहती थी। पीटर उसका इरादा भांप चुका था। लीना के निकट पहुंचते ही उसे कोई भी मौका दिए बगैर पीटर ने उसके पेट में हल्की सी ठोकर जमा दी। लीना पीड़ा से होंठ काटते हुए अपने हाथों से पेट दबाए दोहरी होने लगी। तभी पीटर ने अपने खुले हाथ की साइड से उसकी गर्दन पर नपा तुला वार कर दिया। लीना औंधे मुंह फर्श पर आ गिरी, उसकी चेतना लुप्त हो गई। पीटर ने उसे उठाया और पलंग पर लिटा दिया। वह ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचा।
सबसे निचले ड्रॉर से उसने तरल पदार्थ भरी एक इंजेक्शन सिरिंज निकाली। सिरिंज का निडल वाला भाग ऊपर की ओर करके उसने इस ढंग से हवा बाहर निकाली जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले सिरिंज से हवा बाहर निकालते हैं। वह वापस पलंग के पास पहुंचा और निश्चल पड़ी लीना के ऊपर झुक गया। उसने लीना की बाह में एक नस टटोली और कुशलतापूर्वक निडल उसमें चुभाकर सिरिंज में भरा तरल पदार्थ उसके जिस्म में पहुंचा दिया। यह माल एकदम प्योर है, तुम्हें पूरा मजा देगा, पीटर ने कहा और सिरिंज अपनी जेब में डाल ली। उसने लीना के होठों पर चुंबन अंकित किया और पीछे हट गया। जेब से चाबी निकालकर दरवाजे का ताला खोला, बाहर निकलकर दरवाजा पुनः लॉक किया, चाबी की होल में ही छोड़ी और चला गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।